सत्रांत परीक्षा विषय गुजराती धोरण 5। चलो आपणे एनो सोल्यूशन मेळवीए। जो सोल्यूशन मेळवता पहेला तमे वीडियो ने लाइक अने शेर न कर्यो होय तो करी देजो, जेथी तमारा अन्य मित्रों ने पण मळी रहे। अने हा, चेनल उपर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब अवश्य करशो। फिल्म कोना उपर पाडवामां आवे छे? तो के फिल्म पड़दा उपर पाडवामां आवे। सांबेदाधार एटले मुसळधार। दादी माने वृक्षो वाववानी टेव हती। त्यार पछी तड़काने पकड़वा माटे सांसो मगाववामां आव्यो। सिंधुओ एटले आंगळीथी बतावू थशे। त्यार पछी प्रश्न छे बे, फकराना आधारे प्रश्नना जवाब लखो। तो के मोरनुं कद छे ए केना जेवुं छे? तो के नुं कद हंस के गीध जेवुं होय छे। मोरना विविध नाम जणावो। कलापी, कलाधर, मयूर, शिखाघर वगैरे। मोरनी शरीरनी रचना केवी होय छे? तो के मोह गौरव भरी सुंदर शरीर रचना होय छे। त्यार पछीनो छे प्रश्न के उदाहरण मुजब शब्दो आपेला छे, एमांथी हस्व ई दीर्घ ई उ आ ए ऐ ओ अम ए बधुं जोड़ी अने शब्दो आ मुजब तमारे बनाववाना छे। मैं अहींया बनाव्या छे, तमारे ए मुजब शब्दो बनाववाना छे। त्यार पछी छे प्रश्न 4 के नीचेना शब्दो परथी वाक्य बनाव। आ शब्दो आपेला छे एना उपरथी वाक्य बनावेला छे। आ वाक्य मैं बनाव्या छे मात्र जानकारी माटे छे, तमे तमारी रीते अन्य वाक्य पण बनावी शको छो। त्यार पछीनो प्रश्न छे एक शब्द आपेलो छे एना उपरथी तमारे नवा शब्द बनावाना छे। हिम्मतनगर तो हिम्मत मत नगर रतन, जामनगर तो जाम मन नगर, पछी जगजीवन तो जगजीवन अने वन, नामो निशान तो के नाम निशान अने मोन, पंच पकवान तो के पंच पकवान अने वान। आ रीते तमे अन्य शब्दो पण जो तमने आवडता होय तो तमे बनावी शको छो। आगळ छे प्रश्न 6 के चोमासामां वरसाद आवे त्यारे तमने केवो अनुभव थाय छे, एना 5-7 वाक्यमां लखो। तो मैं अहीं चोमासामां वरसाद आवे एटले शुं थाय छे एनो मैं थोड़ोक एक फकरा स्वरूपे लेखन करेलुं छे। तमारे पण आवी रीते तमे चोमासामां आवे अने तमने वरसाद आवे त्यारे तमने केवो अनुभव थाय ए तमारे लखवानुं छे। त्यार पछीनो प्रश्न 7 छे। प्रश्न 7 नी अंदर चित्र जोई अने वाक्य लखो। जो आ चित्र जोई अने तमारे वाक्य बनावाना छे। आ एक गामडानुं चित्र छे अने आखुं चित्रनुं तमारे निरीक्षण करवानुं छे अने एना आधारे तमारे 4-5 वाक्य लखवानुं छे कि भाई आ गामडानुं दृश्य छे। सवारमां सूर्यदेव उगी रह्या छे अने पक्षीओ उड़ी रह्या छे। पनिहारीओ पाणी भरवा माटे जई रही छे। बाळको तैयार थई નિશાળે જઈ રહ્યા છે। ફેરિયાઓ તેમની વસ્તુઓ વેચી રહ્યા છે। નદીમાં બતક તરી રહ્યા છે। ખરેખર સુંદર, આંખોને ગમે તેવું દ્રશ્ય છે। તો આ રીતે તમે લખી શકો છો। थैंक यू। थैंक यू। फरी मळीशुं एक नवा ज वीडियो नी समझूती साथे।